हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से और उसके बाद में चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को और सबसे लास्ट में चेक करेंगे इनकी लाइन्स को और इस तरह से इनके पूरे फ्यूचर को जानने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले मैं फिंगर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है, स्टैमिना और एनर्जी काफ़ी रहेगा इनके अंदर, थिकनेस भी काफ़ी है। और अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो लगभग जो इनकी तर्जनी है यानी कि गुरु की फिंगर काफ़ी लंबाई लिए हुए है और थोड़ी सी टिल्टेशन है जिसकी वजह से थोड़ा सा वैराग्य रहता है लाइफ में, अदरवाइज काफ़ी अच्छी लेंथ में है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। और अगर देखा जाए यहाँ पर इनकी जो सूर्य की फिंगर है यानी कि अपोलो की फिंगर, वो भी काफ़ी अच्छी लेंथ में है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी व्यक्ति के अंदर रहती हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे जो एक गैप नॉर्मल हाथ को रखने पे कुछ फिंगर के अंदर यहाँ पर जो गैप दिखाई देता है, जिसकी वजह जो होती है वह ज़िद्दी स्वभाव या थोड़ा सा अग्रेशन जिसको हम कह सकते हैं। इनके हाथ में कुछ इस तरह का गैप होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रेबेलियन होते हैं और अपनी मनमर्जी करने वाले होते हैं, तो कुछ इस तरह का स्वभाव इनका जरूर होगा। तो आगे चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को, फिंगर्स की सेटिंग इनके बारे में क्या क्या बताती है, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कोई भी फिंगर मुझे लो सेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही, और एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो कुछ इस तरह की एक लाइन बन रही है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर रहने वाले हैं। माउंट जो है मरकरी का वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर देखा जाए तो हाथ पे बहुत ज़्यादा लाइंस हैं जो सेंसिटिविटी को शो करती हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नेचर इनकी रहेगी। और चेक करते हैं वन बाई वन माउंट्स को, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या बताते हैं, थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं ताकि और क्लियरली हम देख सकें माउंट्स को। तो यहाँ पर आपको एक एक लाइन क्लियरली दिखाई देगी। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं खड़ी लाइनें जो इनके माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर दिखाई दे रही हैं, काफ़ी शुभ साइन है ये। यहाँ पर ऐसी लाइनें बनना यानी कि मेडिकल स्टिग्माटा जिसको कहा जाता है, तो वैसे भी ये मेडिकल लाइन में ही है इन्होंने बताया है मुझे, क्योंकि इस यहाँ पर यह जो लाइंस बनती हैं ये हीलिंग पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। जिनके हाथ में ऐसी लाइंस होती हैं या तो वो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या कोई बहुत अच्छे गुरु या कोई जिसको हम कह सकते हैं काउंसलर होते हैं, जिनकी आवाज़ में ही ऐसा जादू होता है कि अपने बोलने से ही लोगों के दुख दूर कर सकें। तो यहाँ पर यह काफ़ी पॉजिटिव चिन्ह है इनके हाथ में, तो इनके प्रोफेशन से भी ये मैच करता है। उसके बाद चेक करते हैं यहाँ पर सूर्य माउंट को, तो सूर्य की फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हुए थी लेकिन सूर्य माउंट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डेबिलिटेट नज़र आ रहा, थोड़ा दबा हुआ नज़र आ रहा, लेकिन सूर्य की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनती दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा लाइंस बनने के कारण थोड़ा फोकस में कमी रहती है व्यक्ति की, डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा प्रोफेशन उसको चूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी और स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो यह लगभग दो या तीन प्रोफेशंस में इकट्ठे अपना नाम कमा सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा है। आगे चेक करते हैं सैटर्न को यानी कि शनि माउंट को, तो शनि माउंट इनके बारे में क्या बताता है। तो शनि माउंट पर हम देख सकते हैं काफ़ी नीचे से सहारे लेती हुई लाइन पहुंच रही है और काफ़ी डार्क लाइन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो पैसे संबंधी तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए लेकिन अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में रहेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर बृहस्पति की, तो बृहस्पति मुझे थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आ रहा है, बहुत सारी लाइंस होने की वजह से कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं फोकस्ड लाइन कोई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपथी की बहुत सारी लाइंस हैं और कुछ काटने वाली लाइंस भी उसको बन रही हैं, तो गुरु से रिलेटेड इनको कुछ उपाय करने चाहिए क्योंकि गुरु यहाँ पर मुझे नेगेटिव फल देता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जैसा मैंने देखा था फिंगर की टिल्टेशन भी हो रही थी, तो थोड़ी सी ईगो जैसी प्रॉब्लम भी इनको रह सकती है और यहाँ पर अग्रेशन भी रहेगा, गुस्से वाला स्वभाव भी इनका रहेगा। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए अपने हाथ की इस उंगली में यानी तर्जनी में सोने का एक छल्ला यानी गोल्ड का बना हुआ एक छल्ला पहनकर रखें तो थोड़ा सा शुभ उसका फल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं लाइंस को।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन है इनकी हार्ट की, वह कुछ ऊपर से चलती हुई दिखाई दे रही है। वी सिंबल बन रहा है, विष्णु सिंबल जिसको हम कहते हैं, विष्णु सिंबल जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ इस तरह से चलती हुई सीधी लाइन है। इमोशंस काफ़ी रहेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन झुकाव है लाइन में तो थोड़े से इमोशंस भी रहेंगे इनके अंदर। और यहाँ पर हार्ट की लाइन में मुझे एक आइलैंड की फॉर्मेशन जैसी भी होती हुई दिखाई दे रही है, डबल हो रही है लाइन यहाँ पे, तो थोड़े से हार्ट का भी इनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। लेटर एज में चलकर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर चेन्स टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कतें इनको ओल्ड एज में चलकर हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन इनके बारे में क्या क्या यहाँ पर शो कर रही है। सबसे पहली बात तो माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी अलग होकर चल रही है, कुछ इस तरह से बहुत अच्छा गैप यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। और लाइन जो बन रही है इनकी गुरु पर अमाउंट से चलती हुई दिखाई दे रही है, आगे जाकर बाईफोर्क हो रही है जिसमें राइटर फोर्क बन रहा है। तो राइटिंग की बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज इनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बाईफोर्क बनता है और एक लाइन नीचे मून की तरफ चलती है तो व्यक्ति काफ़ी अच्छा होता है राइटिंग में और कल्पनाएँ काफ़ी अच्छी करता है। दूसरी चीज़ यहाँ चेक करने वाली है ये गैप, जितना ज़्यादा यह गैप होता है व्यक्ति उतना ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फैमिली की अर्ली एज में ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर यह काफ़ी इंडिपेंडेंट, बचपन से ही इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं स्वभाव में अग्रेशन भी इनके रहने वाला है और साथ ही साथ थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम भी इनको रह सकती है। कुछ इस तरह का यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन से इनका स्वभाव नज़र आ रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रेट है और एक राइटर्स फोक बन रहा है, तो बहुत ही शार्प माइंड भी इनका रहेगा, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा राइटिंग में भी काफ़ी अच्छा यह परफॉर्म कर पाएंगे और साथ ही साथ स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन है, बहुत ज़्यादा झुकाव लाइन में नहीं है। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइन ऑफ लाइफ इनके बारे में क्या क्या बताती है। तो थोड़ा सा साइज डिक्रीज करके लाइन को चेक करते हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर लगभग इनकी 35 की एज तक, 35 की एज तक कन्फ्यूज़न थोड़ी सी लाइन में नज़र आ रही है, थोड़ी सी स्ट्रगल नज़र आ रही है और यहाँ पर चेंड स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर आप यहाँ से देखें आगे तो बहुत ही क्लियर लाइन, बहुत ही अच्छी लाइफ होती हुई नज़र आ रही है मुझे 35 की एज के बाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक जो लाइन है और इतना एरिया जो लाइन का है यहाँ पर स्ट्रगल से भरा हुआ है। काफ़ी सारी राहु लाइन्स इस तरह से काटती हुई चल रही हैं जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दिखाती हैं, कन्फ्यूज़न दिखाती हैं, करियर चूज़ करने के टाइम पे कन्फ्यूज़न या हर चीज़ में थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्शन जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर वह चीज़ शो हो रही है। लेकिन यहाँ से जैसे ही 35 की एज होगी इनकी, उसके बाद की लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी लाइन की जो फॉर्मेशन है बनती हुई दिखाई दे रही है। तो 35 तक इनको थोड़ा सा स्ट्रगल से एक तरह से जूझना पड़ेगा और उसके बाद ही इनकी लाइफ जो है वो अच्छी होनी शुरू होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, इनके इनको घूमने फिरने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक रहता होगा और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी लाइन बाहर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मून एरिया पर देखा जाए तो मून एरिया पर भी काफ़ी सारी लाइंस हैं और ख़ास तौर पर इनकी जो लक लाइन है यह भी मून एरिया से चलती हुई ऊपर तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यह चीज़ काफ़ी क्लियर होती है कि ट्रैवलिंग के ये शौकीन रहेंगे और फॉरेन ट्रैवलिंग के भी कई चांसेस इनको मिलने वाले हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन में यहाँ पर होती हुई नहीं दिखाई दे रही। विदेश जाएंगे ये, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ स्टे भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा यहाँ पर फोर्क बन रहा है और विदेश में जाकर काफ़ी देर स्टे करने के बाद इनको वापस अपने कंट्री ही आना पड़ेगा। इसके अलावा फेट लाइन जो है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ पर फेट लाइन में कुछ ब्रांचेस हैं जो अपवर्ड भी जा रही हैं और कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जो राहु लाइंस हैं जो
इनकी फेट लाइन को भी काट रही हैं, तो अड़चने भी हैं लाइफ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइन चल रही है इनके हाथ में फेट की, और यहाँ पर अपवर्ड जाने वाली जो ब्रांचेज हैं ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जो काटने वाली ब्रांचेज हैं जो फेट लाइन को काटती हैं ये लॉसेस शो करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जितनी भी लाइंस फेट लाइन को काट रही हैं यहाँ से आने वाली यह सारी लॉसेस शो कर रही हैं, लेकिन ये सारे लॉसेस जो हैं 35 की एज से पहले ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जो एज शुरू होती है यहाँ पर माइंड की लाइन और फेट लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, यहाँ पर जो एरिया बनकर सामने आ रहा है 35 और 36 के आसपास की एज इसको हम मानते हैं, और यहाँ से बाद कोई भी ऐसी मेजर लाइन नहीं है जो इनकी फेट लाइन को काट कर जा रही हो। तो इस एज के बाद लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव टर्न आने वाला है, काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ वरी लाइंस नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर, जो यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को टच तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी कुछ वरीज यह दे सकती हैं, अपनी फैमिली को लेकर कुछ चिंताएं या अपनी हेल्थ को लेकर कुछ चिंताएं इनको रह सकती हैं, लेकिन कोई भी मेजर लाइन ऐसी नहीं है जो इनको डिस्टर्ब करती हो, तो इनको घबराने की उस इस केस में ज़रूरत नहीं है। तो विदेश जाने की लाइनें हैं, घूमने फिरने की लाइनें हैं, ट्रैवल की काफ़ी लाइन्स इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं, तो काफ़ी अच्छी लाइफ रहने वाली है, लेकिन अभी 35 तक इनको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, उस एज तक इनको स्ट्रगल थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और स्ट्रगल के बाद ही इनको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मैंने कोशिश की कि लगभग सारे के सारे चिन्ह जो भी इनके हैंड में मुझे दिखाई दे रहे थे उनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ, और लगभग मैंने सारे के सारे चिन्ह यहाँ पर डिस्क्राइब किए भी, फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो जिसके बारे में यहाँ पर मैं ना बता पाया हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आप बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो यह उस क्वेश्चन को मुझे इसी ईमेल पर रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनको रिप्लाई जो है टाइमली मैनर पर दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।